हेलो भाई, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, सऊदी का कुछ इस तरह का भी होता है, रास्तों का यानी कि हाईवे जो मेन होते हैं, ये रियाद में सीधा जा रहा है हाईवे, तो रियाद की तरफ हम जा रहे हैं। अब हमारे यहाँ शाम हो चुकी है, जो कि अभी 7:10 है। तो देखिए, रात का कुछ शाम टाइम का इस तरह का भी होता है। आसपास पहाड़ यहाँ भी होते हैं जैसे अपने यहाँ होते हैं, और गाड़ी देखिए किस तरह स्पीड में जाती है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है भाई, इतना अच्छा लगता है हमें गाड़ी चलाने में, बिल्कुल सुकून रहता है। यहाँ हम 8 घंटे 5 घंटे भी गाड़ी चला लें तो भी ऐसा नहीं लगता कि हमने मतलब बहुत गाड़ी चलाई है। इंडिया में 2 घंटे लगातार गाड़ी चला लो तो ट्रैफिक के मारे ऐसा लगता है हमने पूरी 3 गाड़ी चलाई है, ऐसा फील होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पैदल भी आते हैं गाड़ी के सामने। अब हम मदीना बाईपास पहुँचने वाले हैं, क्योंकि रियाद जाते समय इधर से मदीना बाईपास होके ही हम लोग जाते हैं। तो देख सकते हैं मदीना के आसपास के ये गांव हैं, मतलब जो लोग रहते हैं, और ये रहा हाईवे यहाँ का मेन इंटरनेशनल वाला, इसलिए यहाँ पे कोई खास ट्रैफिक है नहीं है। मदीना बाईपास है, फिर भी देखो ऐसे आ रहे हैं गाड़ी, ऊपर से शाम भी है काफ़ी, मतलब टाइम हो चुका है, 7:30 होने वाले हैं यहाँ। तो देख सकते हैं इस तरह का यहाँ का निज़ाम जो भी है दिखता है। तो यहाँ पे कैसा क्या देखिए, इसमें आपको दिखाने जा रहे हैं, ये लिखा है रियाद मदीना बाईपास, इसमें सब लिखा था, जो कि हम सामने लगातार जा रहे हैं क्योंकि अभी आगे हमारा बाईपास आएगा, तो बाईपास से अपन चले जाएंगे हम रियाद की तरफ। तो देख सकते हैं ये बोर्ड बता रहा है कि तुम्हारा बाईपास आ गया, ये देखो इसमें लिखा है रियाद एग्जिट, मतलब यहाँ से रियाद के लिए तुम्हें जाना है तो इससे जा सकते हो, पहले ही बोर्ड लगे रहते हैं, तो मुश्किल नहीं है। यहाँ पे गाड़ी चलाने में बहुत आसान है, बस थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए जो कि पढ़ लो। ये बाईपास कुछ भी कहीं हो, पहले बोर्ड में लिखा रहता है तुम्हें यहाँ जाना है तो यहाँ से चले जाओ। अगर पढ़ना आता है तो यहाँ गाड़ी चलाना बहुत आसान है, इतना आसान है कि कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो देखो ना तो कोई बाइक को दिख रही है और ना ही कोई पैदल दिख रहा है, ना ही कोई छोटी से छोटी गाड़ी, बड़ी या तो 4 पहिया, बस 2 गाड़ी देखेंगे। ये देखिए कंटेनर है बगल में जो कि अभी निकाल दिया गया पीछे। देखिए यहाँ से हम अब मेन हाईवे में जाएंगे, वो तो ऐसे यू टर्न वाला समझो आया था, यहाँ से धीरे से इंडिकेटर देंगे और साइड में देख लेंगे शीशा में कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, बस कोई नहीं आ रही तो अपनी साइड ले लो। फिर यहाँ पे हम गाड़ी रोकते हैं और आपको ये बताते हैं, देखिए कि यहाँ पे हर जगह गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, या तो नो पार्किंग का होगा तो वहाँ तो कतई नहीं कर सकते, नहीं तो लिखा होता है पार्किंग 2 किलोमीटर है या 1 किलोमीटर है तो वहाँ पे लगा सकते हैं गाड़ी, ठीक है ये गाड़ी हमारी। और नहीं तो ये देखो दिख रहा है कि साइड में इतनी जगह खाली छूटी पड़ी है, मतलब खाली यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। और ये देखिए पेड़, यहाँ पे ऐसा नहीं पेड़ है कि बिल्कुल नहीं होता, पेड़ होता है बहुत कम होता है। ये देखो सामने ये पेड़ लगे हैं, एक गांव है ये, अब हमें तो मालूम नहीं अभी फ़िलहाल, हम इतने पुराने नहीं हैं यहाँ के कि हमें सब गाँव के बारे में मालूम हो, हम हाईवे किनारे खड़े हैं हमें मालूम नहीं भी। तो ये देख सकते हैं ऐसा होता है यहाँ, अच्छा लगता है सऊदी भी, कोई दिक्कत नहीं, बस इंडिया के मुकाबले पेड़ पौधे कम होते हैं, पेड़ भी हैं कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए हाईवे यहाँ का ऐसा होता है, इधर की गाड़ी 3 एक साथ इधर से जा सकती हैं, 3 उधर से आ सकते हैं, हरियाली है भी है देखिए थोड़ा बहुत। तब हम आगे चलते हैं और तुम्हें बताते हैं। और अब हम चल दिए वहाँ से, तो आप देख सकते हैं ये बोर्ड में एक सब लिखा है रियाद एक्सरास, और ये जो जाना है इधर ये अलग लिखा रहता है, यहाँ पे बोर्ड में हर चीज़ बताता है, बोर्ड कहाँ जाना है कहाँ नहीं,
और ये देखिए यहाँ कुबरी बोलते हैं, जब से अपने यहाँ ओवर ब्रिज बोलते हैं ना, तो यहाँ सऊदी आओगे कभी तो इसे कुबरी याद रखना, कुबरी बोलते हैं। अब हम देखो सामने की तरफ अपन जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे। और ये देखिए टावर, टावर जैसे इंडिया में अपने यहाँ होते हैं वैसे ही सेम सेम यहाँ भी टावर ही समझ लो होते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हरियाली भी लगाई गई है पेड़ पौधे। और ये आपको बोर्ड दिख रहा है, इसमें लिखा है छोटी गाड़ी 120 जाएगी, बस 100, और जो हम चलाते हैं ये 80 स्पीड है। तो देखिए सुंदर देखने के लिए यहाँ पे ये सब किया गया है, मतलब ओवर ब्रिज के आसपास ये घास लगाई गई है और पेड़ तैयार किए जा रहे हैं, इसलिए पेड़ बहुत सारे यहाँ की सरकार ने लगाया है कि यहाँ पे भी पेड़ पौधे खूब हो सके। हालांकि पेड़ पौधे यहाँ पे बहुत लगाते हैं कि अच्छे से सब कुछ दिखे हमारे यहाँ। फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉक में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।